हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ने हमारे फर्स्ट थ्री चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कर लिए होंगे। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर फोर के एमसीक्यूज़। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एमसीक्यूज़ आपको बता दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपके पास एक सवाल के चार आपको ऑप्शन मिलते हैं और एक ऑप्शन आपका सही होता है। तो कैसे हम एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं आसानी से, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने चैप्टर फोर में क्या क्या सीखा हुआ है। तो चैप्टर फोर में आपने सीखा है इसमें कि आपके पास अगर कोई समीकरण है इस टाइप से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर अगर जीरो है आपके पास, जहाँ पर ए बी सी आपका जो है वास्तविक संख्या है, आर जो होता है उसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। अगर ए बी सी हमने वास्तविक संख्या में से लिए हैं, तो आपके पास ए और बी, ए व बी दोनों शून्य नहीं हैं, दोनों शून्य नहीं हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। समीकरण हम सबने पढ़ी थी, रैखिक का मतलब हमारे पास जो x और y है इनकी घात क्या मिलेगी हमें, 1। और दो चर कौन से हैं हमारे पास, एक तो आपके पास x और दूसरा है y, और जिसमें x y नहीं है वो पद कहलाता हमारा अचर पद। x के साथ जो गुणा होता है वो हमारा कहलाता है गुणांक। तो x का गुणांक आपके पास यहाँ पर है, x का गुणांक वो आपके पास होगा यहाँ पर a, y का गुणांक होगा आपके पास b, यानी कि y के साथ जो गुणा हो रहा है वो वाला अंक कौन सा है आपका, इसलिए हम इसको बोलते हैं गुणांक यानी कि कोफिशियंट्स। इसके बाद आपके पास आता है कि आपके पास जो दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है इसके आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं, अनेक हल होते हैं किसके पास, दो चर वाली समीकरण के पास। इसके बाद हमने इस चैप्टर में सीखा है कि आपके पास जो दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, दो चर वाली जो आपकी रैखिक समीकरण है, इसका अगर हम आलेख बनाएं, इसका आलेख एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है। कहने का मतलब क्या है कि आप, ये आपके पास कोई भी ग्राफ है, यहाँ पर आप आलेख बनाते हैं इसका, तो आपके पास जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी लाइन यहाँ पर आती है वो ऐसे आपके पास एक सरल रेखा आएगी। वो हमारे ग्राफ पे डिपेंड करती है कि वो रेखा आपके पास कहाँ से जाने वाली है, वो इन वाले आपके पास क्वाड्रेंट्स में आ सकती है, या फिर ये हमारे जो चार क्वाड्रेंट हैं इनमें से आपके पास कहीं पर भी वो रेखा आपको मिल सकती है, ये हमारे सवाल पे डिपेंड करती है। इसके बाद हमारे पास है, अगर हम बात करें x हमारा जीरो है तो समीकरण जो होगी वो कहाँ होगी, y अक्ष पर, y x का समीकरण है, और अगर y जीरो है तो वो समीकरण किसकी मिलेगी हमें, x अक्ष की समीकरण। अगर हमारे पास
एक्स जो है वो ए हो जाए तो जो हमारा आलेख मिलेगा वो आप देखेंगे, एक्स अगर ए है, मान लीजिए यहाँ जो पॉइंट है वो ए था, तो एक्स बराबर ए है तो ये किसके समानांतर आ रही है ये लाइन, ये लाइन होती थी वाई, तो ये एक्स अगर ए के बराबर है तो ये किसके समानांतर होगी, वाई अक्ष के समानांतर, समांतर एक सरल रेखा होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये अगर y बराबर में b हो, मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास ग्राफ है और यहाँ पर y, ये जो पॉइंट है ये आपका b आ रहा है यहाँ पे y पे, तो ये किसके समानांतर आ रही है, x के। तो y बराबर अगर b है तो जो आलेख मिला है वो किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। इसके बाद आपने इसमें सीखा कि जो भी आपके पास आलेख आता है, इस पर मान लीजिए हम मानते हैं ये हमारी सरल रेखा आई है आलेख की, दो चर वाली रैखिक समीकरण की, तो इस रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है, इस रेखा के ऊपर जो प्रत्येक बिंदु है वो इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा, या फिर हम कह सकते हैं इस समीकरण का जो हल है वो इस रेखा का बिंदु होगा। ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 में। अब इन पर बेस हम अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपकी जो रैखिक समीकरण है इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो जो रैखिक समीकरण है हमारे पास, इसके पास हमारे पास ये आपको दी हुई है 3x-11y बराबर में आपका है 10। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास दो चर वाली रैखिक समीकरण है और दो चर वाली रैखिक समीकरण में हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक हल है, दो हल है, अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है, तो आपको पता यहाँ दिया हुआ है 3x-11y बराबर में 10, तो आप ये लिख सकते हैं 3x बराबर में 10 प्लस में 11y। आपको बताया गया था कि आपके पास यहाँ पर जैसे जैसे आप y की वैल्यू रखेंगे आपको x की वैल्यू मिलती जाएंगी, तो y हमारे पास रियल वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पूरा रियल नंबर की कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसके बाद हमारे पास है 2 3x+10 बराबर 0। इसका कैसा हल है, एक हल है, दो हल है, अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है, तो हल निकाल के देख लेते हैं। यहाँ एक ही चर आपको दिया हुआ है तो यहाँ आपके पास एक हल आने वाला है जो कि होगा -10/3, तो यहाँ इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आपके पास आता है हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं वो आप इसमें रख कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा इसका हल है। तो एक्स अगर हम रखते हैं यहाँ पर, हमने माना 0 और 2 इसका हल है, तो हम एक्स की जगह 0 रखें और वाई की जगह 2 रखें तो ये आता है हमारे पास -4, जो कि 4 के बराबर नहीं है तो ये नहीं हो सकता हमारा। फिर हम लेके चल रहे हैं 2 0, हमने एक्स की जगह 2 रखा और वाई की जगह 0 तो आता है 2 जो कि 4 के बराबर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हम रख रहे हैं 4 और 0, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह आपने रखा 0 तो ये बना हमारा 4 और ये भी हमारा 4 आ रहा था। ये सारी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन आंसर जो होगा वो होगा सी, बाकी हमारे होंगे क्रॉस। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है कि आपके पास आपको k का मान ज्ञात कीजिए। अगर x आपके पास, यदि x 1 है y 2 है जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x के प्लेस पे आपको रखना है 1 और y के प्लेस पे रखना है 2, तो आप रख दीजिए x बराबर 1 y बराबर 2 बराबर 3, तो यहाँ आपको मिला 2+6 बराबर k, यानी कि k हो गया हमारा 8, तो उत्तर आएगा इसका डी। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको बोला गया है कि ये जो बिंदु है 3 4,
ये हमारा ग्राफ पे लाई करता है, और इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है उस पे लाई करता है। तो आप वैल्यू बतानी है आपको के की, आपको क्या दिया हुआ है, 3y बराबर में kx प्लस में 7। इस समीकरण पर हमारे पास कौन सा बिंदु दिया हुआ है, 3 और 4। x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर प्लस में 7। 12 माइनस 7 बराबर में 3k, और ये होता है 5 बराबर में 3k, तो k बराबर हो गया हमारा 5/3। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर b। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट द वाई एक्सिस। आपके पास ये इक्वेशन की ग्राफ है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर अगर वाई एक्सिस को कोई ग्राफ आका कट करेगा, तो इसका कट करने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर एक्स क्या आ रहा है आपका, 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक्स जो है वो 0 होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है इसमें, आपके पास ये ऑप्शन क्रॉस हो गया, एक्स 0 होना चाहिए और डी भी क्रॉस हो गया। अब बचे ये दो ऑप्शन, यहाँ पर हम इन दो वैल्यूज़ को रख के देख लेते हैं इस इक्वेशन में कि आपके पास कौन सी इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई करती है। तो हम अगर रखें 0 और 1, एक्स के प्लेस पे हमने 0 रखा, 2 के प्लेस पे हमने वाई के प्लेस पे रखा 1, तो ये आ गया 2। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है आपका, आपको बताना है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स इक्वल टू वाई, अगर आपके पास लाइन है, आपके पास ये लाइन होती है एक्स इक्वल टू वाई पर, ये सेंटर से पास होती है, तो एक्स इक्वल टू वाई पर आपके पास इनमें से कौन से बिंदु आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई यहाँ पर बराबर दिए हुए हैं, तो देख लीजिए कहाँ पर बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है आपका, और ये भी बराबर नहीं है। आपके पास आंसर होगा यहाँ पे डी। 8वें सवाल में आपको दिया हुआ है एक्स बराबर 3, आपके पास कोई रेखा है, तो हम खींच लेते हैं यहाँ पर हमारी रेखा, आप बना लेंगे। एक्स बराबर 3 आपके पास रेखा है, ये आपने रखा 1 2, और ये आपका हो गया 3, ये आपकी एक्स लाइन है और ये लाइन थी वाई। आपने देखा ये जो लाइन है वो किसके समानांतर आ रही है, वाई के, पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के। किस डिस्टेंस पे पैरेलल है ये, आपकी डिस्टेंस कितनी ले रहा है ये, 3। कहाँ से, ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो आपके पास इसका आंसर हो गया है बी। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको बोला गया है जो समीकरण है y बराबर mx प्लस c, इसमें m क्या होगा। तो y बराबर में mx प्लस c जो होती है इक्वेशन लाइन की, इसमें ये जो m होता है ये हमारा कहलाता है स्लोप, इस लाइन का हमारा ये स्लोप कहलाता है। तो ये इसका आंसर होगा आपका b। नेक्स्ट आपके पास आता है ये, अगर आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव सॉल्यूशन हैं, एक्स और वाई दोनों धनात्मक हैं, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इसके ये धनात्मक सॉल्यूशन है, हल है, तो ये हमेशा कहाँ लाई करेंगे, आपको लाई बताना है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपको पता है यहाँ पर एक्स की सारी प्लस की वैल्यू होती है इन दोनों में, यहाँ पर वाई की प्लस में होती है, और पूछा बोला गया है एक्स और वाई दोनों क्या है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, ये किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट आपके पास आता है लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपके पास 4x-10y बराबर में 14। आपको बताया गया दो वेरिएबल में अगर रैखिक समीकरण है तो आपके पास उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास, आपको हल निकालना है और दो इक्वेशन दी हुई है, इन दो जोड़े के आपको क्या बताना है हल, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने हल होते हैं आपके पास। तो आप लिख देंगे इन दोनों इक्वेशंस को, एक तो आती है आपके पास x+2y = 8, और दूसरी आती है 2x+y = 4y = 16। अगर हम दो से भाग कर दें तो ये मिलेगी आपको एक्स प्लस में 2y = 8। आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है वो दोनों सेम आ रही है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें
एक ही लाइन पर दूसरी लाइन आपके पास इस तरीके से आएगी, इसका मतलब इस लाइन का हर एक जो बिंदु है वो इसका हल होगा। और लाइन पर कितने बिंदु होते हैं? इनफाइनाइट यानी कि अनंत। इसके बाद है आपके पास, यदि दो जीरो समीकरण, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में k का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। दो और जीरो, पहला x के लिए होता है, तो दो गुना दो प्लस में तीन गुना जीरो बराबर k, तो यहाँ से k मिला हमें 4, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता है a। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है, अगर y x पर कट करे, इस इक्वेशन का ग्राफ y x को कट कर रहा है आपका, तो आपके पास क्या होगा? y को कट कर रहा है, ये मान लीजिए y है, इसको कट कर दिया, तो यहाँ x क्या है आपका? जीरो। x जीरो आपका इसमें नहीं दे रखा, यहाँ भी नहीं है। अब ये जो दो बचे यहाँ पर, इनका मान हम इसमें रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर जीरो और तीन लेके चलें, तो आप देखेंगे जीरो प्लस में तीन गुना तीन बराबर में छः, तो नौ बराबर नहीं है छः के, तो ये तो हमारा हल नहीं हुआ। अब हम दूसरा बिंदु ले लेते हैं जीरो और टू, आप देखेंगे टू इंटू जीरो प्लस में थ्री इंटू टू बराबर में सिक्स, तो ये आता है हमारा बराबर में सिक्स, सिक्स इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो हल होगा वो क्या होगा? जीरो और टू, तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी। इसके बाद है हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y बराबर पाँच, दो वेरिएबल में बताना है किस तरीके से लिख सकते हैं, तो y माइनस y बराबर पाँच हो गया हमारे पास, तो आपके पास यहाँ x दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x को लिख सकते हैं जीरो इंटू में x, तो आप देखेंगे ये किस में आ रहा है आपके पास, जहाँ पर x जीरो के गुणांक है, x का गुणांक जीरो है, तो यहाँ पर इसमें भी नहीं है, लेकिन y का गुणांक क्या होना चाहिए? वन। यहाँ दोनों का गुणांक जीरो है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पर आपको बोला गया वाई और एक्स इक्वल हैं किसी रेखा पर, आपके पास रेखा, इस रेखा पर किस पॉइंट पर आपके पास जो लाइन है वो वाई बराबर एक्स होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है आपके पॉइंट, ये भी बराबर नहीं है, आपका आंसर होगा डी, ये दोनों आपके बराबर आते हैं, x भी, x जो है y के बराबर होना चाहिए। इसके बाद है आपके पास, अगर हमारी जो लाइन है, ये जो लाइन दी हुई है आप देखेंगे, मान लीजिए ये जो पॉइंट आपको दे रखा है वो x बराबर है पाँच के, तो आप देखेंगे ये किसके पैरेलल आ रही है? y एक्सिस के, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा b, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ओरिजिन से वो हमारे पास है 5 यूनिट्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, यहाँ पर x बराबर 9 है और y बराबर 4 किस समीकरण, रैखिक समीकरण का हल है, तो यहाँ पर आप रख के देख लेंगे कि किस रैखिक समीकरण का हल आ रहा है। आप अगर इसमें रखते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 2 गुना में 9 प्लस में 4, तो ये क्या बनेगा? 18 प्लस 4 यानी कि 22, तो ये इसका हल नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ रखेंगे तो 9 प्लस 4 होते हैं 13, 17 नहीं आ रहा, तो इसका भी हल नहीं है हमारा। इसके बाद यहाँ रखेंगे तो 9 प्लस में 2 गुणा में 4, ये आता है 9 प्लस में 8, ये आ जाता है हमारा 17। इस समीकरण में बराबर भी 17 ही है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर होगा, आप इसमें रखेंगे तो ये भी हमारा इक्वल नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास 19वें सवाल में बोला गया है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर x पर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो वो किस फॉर्म में मिलेगा? ये x पे पॉइंट हो गया हमारा, आप देखेंगे यहाँ y क्या हो रहा है हमारा? जीरो। तो आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए y जीरो किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि आंसर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया? b। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर किसी लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन ये है आपके पास, तो उस समीकरण की फॉर्म क्या होगी, किस तरीके से लिख सकते हैं? आप देख लीजिए यहाँ पर आप रख रख के, आपके पास माइनस तीन और यहाँ रखते हैं हम तीन माइनस माइनस प्लस तीन, ये तो छः आता है जबकि आना चाहिए जीरो, तो बराबर नहीं है, तो इसको हल नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर हम यहाँ रखते हैं तो ये हमारे पास है तीन माइनस तीन जीरो,
ये हल कर इसको सेटिस्फाई कर रहा है आपका। फिर आप रखेंगे यहाँ पे 0 0 0 0 पर भी 0 आता है और 3 -3 पर भी ये क्या आता है 0। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, बी। आपको क्या रखना है इक्वेशन के अंदर, आपको ये पॉइंट्स रख के देखने हैं आपको, अगर वो 0 के बराबर आ जाते हैं तो आपके पास वो उस समीकरण के हल होंगे। हमने देखा था ये किस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा था, इस वाली को। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपके पास कोई भी धनात्मक हल है इस इक्वेशन का, समीकरण का धनात्मक हल है, तो वो हमेशा कहाँ पर आपका लाई करेगा। अगर धनात्मक है तो आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद हमारे पास आता है रैखिक समीकरण 5x+3y = 10 का ग्राफ, एक लाइन आती है विच मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, जो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मिलेगी। अगर हम देखें, अगर ये कह रहा है एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर मिलेगी, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वहाँ पर वाई क्या हो रहा है हमारा, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ वाई 0 नहीं है और यहाँ भी 0 नहीं है। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, आप इसमें यहाँ रख के देख लीजिए। अगर हम 3 और 0 रखें तो ये बनेगा हमारा 15, 3 × 0 यानी कि 15, जो कि किसके बराबर नहीं है, 10 के। तो ये भी हल नहीं हो सकता हमारा। अब आपके पास एक ही बचा है, वो आपका सोल्यूशन होगा, आप रख के देख लीजिए 2 और 0। आपने 2 रखा तो 5 × 2 = 10, 3 × 0 तो ये आ गया हमारा 10 = 10। तो आपका आंसर है सी। नेक्स्ट आपके पास आता है 23। ये आपको बोला गया है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई बिंदु है a - a तो वो हमेशा कहाँ, रेखा पर कहाँ आएंगे आपके। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपके पास दिया हुआ है x = a और y - a। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, -y। ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं y = -x। और जब y हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या बना, y + x = 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ रहा है डी ऑप्शन में। इसके बाद है x = 9, एक सीधी रेखा है ग्राफ में, तो आपके पास वो क्या आती है, प्रतिच्छेद करती है दोनों एक्सिस को, या समानांतर है वाई के, या समानांतर है एक्स के, या फिर ओरिजिन में से मूल बिंदु से पास होती है। x = 9, मान लीजिए ये हमारे पास 9 है, यहाँ पर हमने लिया 3 6 9, ये हमने पॉइंट्स लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसके समानांतर आ रही है, वाई लाइन के। तो आप लिखेंगे समानांतर है आपकी ये वाई लाइन के, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आता है समीकरण जो है उसमें जो हमारी लाइन है वो पैरलर है, समांतर है किसके, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के समांतर है तो हमने एक्स एक्सिस के समांतर खींच दिया, ये एक्स है और ये वाई है। और क्या कहा गया, 6 यूनिट अबू द ओरिजन, मूल बिंदु से, मूल बिंदु ये है, इससे कितनी ऊपर है, 6 यूनिट, यानी कि यहाँ जो बिंदु है वो क्या है, 6। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, y = 6। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा y = 6, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे कैंसिल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 26, जिसमें आपको बोला गया है कि 3 और 4 से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, 3 और 4 जो बिंदु है। तो आप देखेंगे ये आपके पास लाइन है, यहाँ आपके पास 3 है, 1 2 3, और ये आपके पास हो गया 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4, आप देखेंगे यहाँ से ये बिंदु आ गया आपका और यहाँ से ये, यानी कि इस बिंदु से कितने पॉइंट पास हो सकते हैं। तो इस बिंदु से आप चाहें उतने पॉइंट आप पास करा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से कितने हमारे पास हल होंगे, अनंत हल होंगे।
इसके बाद है हमारे पास द वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग इन द इक्वेशन। आपको बताना है इसमें ये जो समीकरण आपको दी हुई है, एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो इसमें ए क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आपका ए आ रहा है वो एक्स का गुणांक है और यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? 3। तो ए बराबर 3, तो उत्तर होगा आपका ए। इसके बाद है एन का मान ज्ञात कीजिए समीकरण में, तो आप इसका एन का मान रखेंगे तो यहाँ आ गया एन बराबर में माइनस का 40/3, तो आंसर हो गया हमारा सी। इसके बाद हमारे पास है, ये हम क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं यहाँ पर 26, ये आपका था 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है 28, अब आपके पास है 29 नंबर, जिसमें बोला गया है कि 3x = 5 है समीकरण इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में बताना है आपको, y दिया हुआ नहीं है तो आप क्या करेंगे, y का गुणांक क्या रख देंगे? 0। तो ये देख लीजिए अब किस में बन रही है आपकी, ये बनती है आपकी 3x + 0y - 5 = 0। इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है आपके पास 30, आपका 30वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है यदि x 2 है y 3 है तो आपको इसका k का मान बताइए इस समीकरण में। तो 2x + 3y = k, आप 2 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ रखेंगे आप 3, तो ये मिल गया आपको 4 + 9 यानी कि 13। तो ये हमारे पास आंसर आता है k का 13, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 31वां सवाल, जिसमें आपको बोला गया है इनमें से कौन सा एक हल है इस समीकरण का, x = 4y। अगर आप y 0 रखते हैं तो आपके पास x भी 0 बन जाता है, तो a और b तो हमारा नहीं होगा। अब अगर y की जगह हम 2 रखें तो हमारा x बनना चाहिए 8, तो आप देखेंगे x बना 8 जब y 2 हो, तो आंसर है आपका c। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आप बोला गया है कि 2, 0 जो बिंदु है क्या वो इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो हम रख के देख लेते हैं यहाँ 2 और 0, x हम 2 रखेंगे और y रखेंगे 0, तो x 2 y रखा हमने 0 = 4, तो ये आया 2 = 4, जो कि इसका हल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं। इसके बाद है 33 नंबर पे, आपके पास यहाँ आता है 3, 1 जो है एक सॉल्यूशन है इनमें से किस इक्वेशन का, तो x = 3 रखिए और y = 1 रखिए। अगर आपको समीकरण में बराबर दी हुई संख्या के बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे कि वो समीकरण का हल है। क्या ये बराबर है? नहीं, ये 10, 5 के बराबर नहीं है। अब यहाँ रखते हैं, ये बनेगा 6 - 3 बराबर नहीं है 2 के। फिर हम यहाँ रख के देख लेते हैं, यहाँ है 6 + 3 = 9, ये इसको सेटिस्फाई करती है, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर पे, जिसमें आपको बोला गया है इफ़ यदि 5 × 4x + 3 जो है वो बराबर है 3x - 2 के, तो आपको x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, हम इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 6x - यहाँ है 3x, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 3x - 6, तो 20x - 3x = -6 - 15, ये आपको मिला 17x और ये हो गया हमारा माइनस का 21, तो x = -21/17, तो यहाँ हमारा आंसर आता है बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35,
जिसमें आपको बोला गया है कि जो नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से 3 गुना है, और जो हमारे पास इसको हमें रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए, और जहाँ पर आपने नोटबुक जो है उसको एक्स माना है और पेन को माना है वाई। तो इन्होंने बोला है कि जो नोटबुक की जो कीमत है वो 3 गुनी है पेन से। पेन मान रहे हैं हम वाई को और एक्स मान रहे हैं हम नोटबुक को। तो अब देख लीजिए ये समीकरण हमारी कहाँ पर बन रही है, ये बनती है हमारी डी में। तो ये थे हमारे 35 सवाल।